हेलो बच्चों, तो देखिए हम लोग बात करने वाले सीबीएसई के 2022 टर्म टू एग्जाम्स के। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, एग्जाम होंगे तो कब होंगे, किस डेट को आएंगे, तो सारा चीज अब सीबीएसई ने क्लियर कर दिया। आपको 2 से 3 दिन पहले आपको नोटिफिकेशंस आ गई थी। मेरे वीडियो लेट मिलने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें अपडेट हमारे सीबीएसई की तरफ से की गई हैं। ठीक है, तो देखिए 2021-22 का जो एग्जाम टर्म टू का होने वाला है वो 26 अप्रैल को ही होगा। ठीक है, मतलब स्टार्ट ये थ्योरी थ्योरी के ऊपर है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल एग्जाम्स है, तो यहाँ पे आपके 26 अप्रैल 2022 से ये एग्जाम्स आपको लिए जाएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो जो सैंपल पेपर आपको सीबीएसई की तरफ से जो मिला है। ठीक है, मतलब आप देखिए अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए हैं तो वहां पे आपको सारे सीबीएसई के जितने भी आपके अपडेट्स आते हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीक मतलब अगर हम बात करें तो 16th ऑफ फेब के बाद से आपको जनरली क्वेश्चंस के, हर 10 क्वेश्चंस के आपको वहां पे आपके क्यूज होंगे। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड वो रहेंगे तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो सैंपल पेपर्स के आधार पे ही सारे प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, और उससे ज्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। साथ ही अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो देखिए जिस एग्जाम मतलब फर्स्ट टर्म का जहां एग्जाम आपको हुआ था सेकेंड टर्म का भी वही होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, डेट शीट बहुत जल्दी आपके रिलीज कर दी जाएगी 10th और 12th की। ठीक है, तो ये सब जो छोटे छोटे अपडेट्स थे, मतलब देखिए अगर हम लोग बात करें तो लगभग आपको 2 से 2 महीने का टाइम अभी मिल रहा है। ठीक है, कुछ दिन मैंने वीडियो लाया था कि 1 मंथ की आपकी प्रिपरेशन है, तो अगर उसके हिसाब से चले तो आप 2 बार उसको रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स में मैं बोलूंगा कि आप सैंपल पेपर तो बनाइए ही। ठीक है, जो आपको कुछ सीबीएसई के द्वारा मिला गया है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप जरूर से जरूर करें। ठीक है, केस स्टडी का जो सवाल होता है, ठीक है, वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। वहां पूरे सीबीएसई के द्वारा जो केस स्टडी डाले गए थे, ठीक है, वो सारा आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उससे ज्यादा से ज्यादा हमें खत्म करवा दूं सारी क्वेरी को। ठीक है, तो देखिए अभी तक मैथ्स का मैंने सैंपल पेपर का 1 से 5 तक का सॉल्यूशन डाल दिया है 1 से 2 दिन में, और आपको सारे वीडियोस एक एक करके पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। और मैं एक कोर्स आपको मैं लेके आ रहा हूँ जो आपको कंप्लीट फ्री कोर्स है। इसमें किसी भी तरह का आपको एक्सटर्नल पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका पूरा सीबीएसई का जो एग्जाम होने वाला है, मैं बात कर रहा हूँ साइंस में केमिस्ट्री की और मैथ्स की और फिजिक्स की। ठीक है, ये 3 चीजें मैं करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने का टाइम है तो हमारा उसके लेवल से सारा चीज आपको खत्म कर दिया जाए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको ना हो। तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको सारा चीज मालूम चल गया होगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।